में प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा, घर पर पहुंचा है बुलडोजर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीधी कांड में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा। बता दें आपको, प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा। सीधी कांड में, पेशाब कांड में ये बड़ा एक्शन सरकार की ओर से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है इस मामले में और एनएसए के तहत कार्रवाई जो है की गई है। अब बुलडोजर चलाने की तैयारी में जो है प्रशासन है, सरकार है, बुलडोजर पहुंच चुका है, मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा, तो प्रवेश शुक्ला के घर पर थोड़ी देर में बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर पहुंच चुका है प्रवेश शुक्ला के घर पर और अब बुलडोजर चलने वाला है। बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से देखी जा रही है। सीधी कांड में बड़ा फैसला लिया गया है और आपको बता दें, प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर पहुंच चुका है प्रवेश शुक्ला के घर के बाहर। अब कुछ ही देर में प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें आपको, कल ये तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, वीडियो सामने आया था, जिसमें प्रवेश शुक्ला जो बीजेपी नेता है वो पेशाब करते हुए युवक पर नजर आए थे और ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद हर कहीं इसकी निंदा हो रही है। हर कोई कार्रवाई की मांग कर रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेटेस्ट तस्वीर है, जहां प्रवेश शुक्ला के यहां पर टीम पहुंची है, बुलडोजर पहुंचा है, कार्रवाई की अब बात की जा रही है। अब जल्द जो है बुलडोजर प्रवेश शुक्ला के घर पर चल सकता है। तो टीम पहुंच चुकी है, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। ये टीम आप देख रहे हैं, बुलडोजर पहुंच चुका है। अब कुछ ही देर में घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रवेश शुक्ला के घर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा। टीम पहुंच चुकी है, सख्ती जो है पूरी तरह से सरकार द्वारा दिखाई गई। जैसे ये मामला सामने आया, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और सख्ती के साथ जो है कार्रवाई की गई है, पूछताछ की गई और एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। अब ये बुलडोजर चलाने की कार्रवाई बड़ी जो है सामने आ रही है। कुछ ही देर बाद प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा और उसे जमींदोज कर दिया जाएगा उसके घर को। तो ये बड़ी कार्रवाई जो नजीर पेश करेगी उन लोगों को जो दादागिरी दिखाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और अपना रौब दिखाते हैं आम जनता पर या छोटे तबके पर। ये उन लोगों के लिए नजीर है जो अपनी दादागिरी दिखाते हैं। शायद ही नजीर पेश होगी और उसके बाद ऐसी कोई तस्वीर ना देखने को मिले, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है जो देखने को मिल रही है। किस तरह प्रवेश शुक्ला ने शराब के नशे में पेशाब की है युवक के ऊपर, ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाई, निंदनीय तस्वीर, शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आपको हमने दिखाई कि किस तरह से प्रवेश शुक्ला युवक पर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद से ही बयानबाजी आने लगी, लोगों का रिएक्शन आने लगे कि आखिर उस पर कार्रवाई कब होगी, जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो भी रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कल ये तस्वीर निकल करके सामने आई और मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और हम तस्वीर सामने देख रहे हैं कि अब बुलडोजर चलने वाला है प्रवेश शुक्ला के घर पर। यहाँ बुलडोजर भी पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ एम्बुलेंस वाहन भी पहुंच चुकी है और तमाम सुरक्षा के लिहाज से यहाँ भारी पुलिस बल भी तैनात है। चल रही तस्वीरों के मार्फत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पूरा प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ चुका है और बस थोड़ी ही देर में यह बुलडोजर की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। और ये जो घर दिख रहा है तस्वीर में, जो यही घर है प्रवेश शुक्ला का है, जिसे जमींदोज करने का काम किया जाएगा। जी जी, आप वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, प्रवेश शुक्ला के घर वाले होंगे, माता पिता होंगे, घर वाले और भी कई लोग होंगे, उनसे कोई बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए उनके घर वाले जो है, तो घर वाले कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को अजीब फील कर रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से कह भी रहे हैं कि देखिए इस पूरे मसले पे मेरा क्या कसूर है और मुझे इससे क्या होना चाहिए। तो ये सुनिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, परिवार के उनके पिताजी हैं जो स्पष्ट रूप से अपनी बातें रख रहे हैं।
की कमाई है, देखिए हमारे दादा परदादा की कमाई है, जमीन है हरीश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ पर मौजूद हैं, प्रवेश शुक्ला के पिता कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं बताइए। देखिए प्रवेश शुक्ला के जो पिताजी हैं वो यही चीज स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार जो कसूर है तो प्रवेश शुक्ला का कसूर है, ना कि इसमें मेरे घर परिवार के या मेरा कोई कसूर नहीं है। और जो घर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं से मेरा खुद का नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से घर है तो प्रवेश शुक्ला यहाँ रह जरूर रहे थे, लेकिन उनका खुद का घर नहीं है, उनके पिताजी ने अपने निजी खर्च से उनका मकान डेवलप किया था। ऐसे में आज अगर उनके घर पे अगर जमींदोज की जो कार्यवाही हो रही है, इससे कहीं ना कहीं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं जो है तो इससे कार्यवाही न हो, और उन्होंने गुहार भी लगाई है कि इस तरीके से कार्यवाही चल रही है वो कहीं ना कहीं बर्बरतापूर्ण है, क्योंकि कसूर सिर्फ उसका प्रवेश शुक्ला का है। अगर कार्यवाही हो तो सिर्फ प्रवेश शुक्ला के खिलाफ हो या तो चाहे उसके पास ही की कार्यवाही हो जाए वो उन्हें मंजूर है, लेकिन जो घर की कार्यवाही है कि जो घर जमींदोज करने की जो कार्यवाही की जा रही है उससे कहीं ना कहीं वो नाखुश हो रहे हैं। और चल रही तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से उनकी जो दादी है और उनके जो माता जी है और उनके पिताजी है वो तमाम जो लोग हैं उनके आंखों में प्रेमसुख भी बह रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो सब कुछ सब अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्यवाही हो रही है जमींदोज करने की वो कहीं ना कहीं गलत हो रही है, और इसी 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 तरीके से वो इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, मौके पर वहाँ पर टीम भी मौजूद है, आखिर टीम का क्या कुछ कहना है, कितनी और देर में ये कार्रवाई शुरू होगी, बुलडोजर चलाया जाएगा? देखिए उसकी अगर प्रशासनिक अधिकारियों की अगर माने तो उसमें पूरी 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 की तरीके से तैयारी हो चुकी है, और किस तरीके से यह जो कार्यवाही होगी अगले 10-15 मिनट में कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जी जी, देखिए हरीश, आज जो कार्रवाई होती है या जिस तरह से संज्ञान लेके तुरंत इस पर एक्शन लिया गया सरकार द्वारा, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में ये नजीर पेश करेगा कि छोटे तबके को दबाना या किसी पर भी दादागिरी दिखाना, रौब दिखाना अपनी पावर का आपको भारी पड़ सकता है। देखिए ये जो पूरी कार्यवाही हो रही है कहीं ना कहीं से पार्टी के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा इसको जमीर पेश करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कार्यवाही हो रही है तो इनके परिवारजन जो है वो काफी नाखुश और नाराज नजर आ रहे हैं, और सबके सब जो है तो इसमें आक्रोशित भी हो चुके हैं, और तमाम जो है तो सरकार के खिलाफ जो है तो आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार सफल होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो घर गिर रहा है उससे कहीं ना कहीं परिवार जन नाराज। जी जी, क्या लगता है जिस तरह की नाराजगी वहां पर देखी जा रही है, इतनी तमाम बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद हैं, और रिक्वेस्ट जो है उनके घर वालों से उनके घर वाले करते हुए नजर आ रहे हैं, हम साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, क्या लगता है फैसला बदल सकता है क्या? देखिए मैं जहाँ तक मेरा मानना है तो इस तरीके से जो संस्कार प्रवेश को मिले थे अगर उसके वो कायम रहता, इस तरीके से घटनाकृत ना किया होता तो कहीं ना कहीं से उसके आज परिवारजनों की इन तरीके की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि उसके संस्कार में कोई ना परिवारजनों की कोई ना कोई कोताही रह गई होगी, यही कारण है कि प्रवेश शुक्ला नामक जो व्यक्ति है इस तरीके से कृत्य किया है और उसका खामियाजा आज उसको परिवारजनों को तक भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए हरीश। तो तस्वीरें आपने देखी, सीधी की तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से बुलडोजर अब पहुंच चुका है, प्रवेश शुक्ला के यहां पर कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है, आखिर कितनी देर में यह कार्रवाई शुरू होती है, क्या कुछ रहता है, लगातार इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।